धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, हमारे जीवन में नया दिन जोड़ने के लिए। प्रभु ये दिन हम आपके समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया धन्यवाद 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 करते हैं। आज हम सभी भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं खुदावन, कि हमें अपनी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करें, अपनी महिमा अपनी करुणा अपनी दया सदा बनाए रखें। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। कि आज का दिन हम आपको समर्पित करते हैं, आज का दिन हम आपके नाम में करते हैं प्रभु यीशु मसीह। कि आपने जो हमें आज हर्षित आनंदित रखा है प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन प्रभु हम आपके नाम में उपवास प्रार्थना के रूप में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। कि हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये उपवास के प्रभु दौरान आप हमारे संग संग बने रहें, हमें शक्ति सामर्थ्य और बल दे प्रभु, कि हम आज इस उपवास के दिन को आपके नाम में सफल कर सके, आपके नाम में और ऊपर उठ सके, आपके नाम की महिमा बढ़ाई निरंतर हम करते रहें प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु आप में हम सदा बने रहें और आप हम में सदा बने रहें प्रभु। कि इस उपवास के समय प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शन बने और हमें शक्ति दे, हमें और करीब आने दे अपने पास प्रभु यीशु मसीह, अपने आवाज़ को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में हमारी मदद करें। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की अगुवाई हो प्रभु, कि इस दौरान हमारे उपवास के संग सदा बने रहे। पवित्र आत्मा हमारे सारे भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे, उन पे अपनी आशीष उड़ेले, स्वर्गीय आशीष उन पे बरसाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कि हम सब भाइयों बहनों अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करना चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के उपवास और प्रार्थना के माध्यम से ही हम आपके करीब आ सकते हैं और अपने जीवन में आपकी शक्ति और उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे संग संग बनी रहे, हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी इच्छा और मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं आपका मान हो प्रभु यीशु मसीह। आपके मार्गदर्शन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, कि जब हम उपवास करें तो आप हमें शक्ति और ज्ञान दे दे प्रभु यीशु मसीह। हम जब उपवास करें तो आपकी सामर्थ हमारे संग हो, आपके बल हमारे संग हो। हम इस तरह से प्रभु प्रार्थना करें कि प्रभु आप प्रसन्न हो सके, टूटे मन और हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना में लीन रहे प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन जैसा कहता है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग न जाने कि तू उपवास कर रहा है, परंतु तेरा पिता ही उपवासी और तेरे पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रार्थनाओं को आप प्रभु उपवास को प्रभु सही समझते हैं प्रभु, सही जानते सही मानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हमारे हृदय की सच्चाई को आप जानते हैं, हमारे मन की गहराई को आप जानते हैं, कि किस प्रकार हम आपसे प्रेम करते हैं, किस प्रकार हम आप में लीन रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप हमें उसका प्रतिफल दोगे प्रभु। हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप में, कि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे बलिदान को आप व्यर्थ नहीं जाने दोगे, हमारे बलिदान को आप अपना बनाओगे प्रभु यीशु मसीह, और सुनोगे हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे हर प्रकार के निवेदन को आप हाँ और उत्तर में प्रभु दे। जो आपकी इच्छा पूरी हो सके प्रभु वो हम पे होने दे, जो योजनाएं आपने हमारे लिए लागू किया है वो ऊपर उड़ने दे प्रभु यीशु मसीह, हम पे उड़े ले जाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हृदय की सच्चाई को जानते हो, हमें परखते हो और हमें मानते हो अपना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु कि आप अपनी सिद्ध इच्छा और मेरे जीवन की योजना के अनुसार मुझे प्रतिफल देंगे। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम इस उपवास प्रार्थना के द्वारा हम आपके दर्शन को चाहते हैं, आपके सम्मुख आप हमारे संग संग बने रहे प्रभु यीशु मसीह। आप प्रार्थना के द्वारा हमारे निकट बने रहते प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायता की, हमारी मदद की प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु हमारे संग संग बने रहे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम आप पे पूरी तरह से भरोसा करते हैं और हम आप पे भरोसा करते प्रभु यीशु मसीह की आपकी अच्छाई और विश्वास योग्यता पर भरोसा करने में हमारी मदद करें। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों की तरह उदास न देखो, क्योंकि वे दूसरों को दिखाने के लिए अपना चेहरा बनाते हैं कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो उसके सिर पर तेल मलना और मुंह धोना, जिससे और लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो अनदेखे है यह प्रकट हो जाए कि तू उपवासी है। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कि हम प्रार्थना करते हैं कि उपवास के समय में जैसा मैं खोजता हूँ आप मुझे वैसा ही प्रतिफल दें। हम भाई और बहने प्रभु जो जिस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे उनकी इच्छाएँ हैं प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें प्रकट करें और अपने प्रभु उनके वैसा ही प्रतिफल दें। आप पर अपनी हम दृष्टि टिकाए रखते हैं, हमारी नज़र सिर्फ आप पे रहती है, हमारा नज़र सिर्फ आप पे है प्रभु, हमारे दृढ़ स्थान हमारे चट्टान प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद जो प्रभु यीशु मसीह हमारे रास्ते में आने वाले प्रभु लोभनों का विरोध करने में हमारी मदद करें। जाने अनजाने जो ऐसे कार्य होंगे जैसे हमें आपसे भटकाते हैं प्रभु, उन्हें हमारे प्रकट कर हमारे दूरी बनाए प्रभु उनसे, ताकि हम आपके साथ नज़दीकी बनाए रखें प्रभु। ऐसा समय प्रभु शैतान का प्रभु, ऐसा चाल प्रभु जो हमें भटकाना चाहता है, जो हमें आपसे अलग करना चाहता है, जो हमें आपसे जुदाई करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु माले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रेम आपकी करुणा अनुग्रह प्रभु हम सब पे बनाए रखना प्रभु। उपवास का यह समय हमारे लिए प्रभु आपके साथ संबंध को और गहरा करता है और हमारे विश्वास को और दृढ़ करता है और हम आपके विश्वास में और बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, की उपवास का समय न केवल हमारे लिए आपके करीब आने का एक तरीका होता है, बल्कि दूसरों की सेवा करने और इनके जीवन में बदलाव लाने का भी एक तरीका है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करें कि हम अपने आसपास की ज़रूरतों से अवगत रहें और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह, जब हम परवा उपवास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमें मत्ती का वो पद याद आता है प्रभु यीशु मसीह, जहाँ यह कहा जाता है कि जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले सके, 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद वह भूखा प्रभु यीशु मसीह हम पे अपनी आशीष और बरकत बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, कि जैसा वचन में कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और जब सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या यह हुआ नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते वो को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को अपने में न छिपाना। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी प्रभु वचन पे हम दृढ़ रहे प्रभु यीशु मसीह, कि हम भूखे नंगों को प्रभु दे सके, हम देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, हम अपनी रोटी को दूसरों भूख को बांट सके, भूखों को बांट सके, उनके भूख को तृप्त कर सके प्रभु यीशु मसीह। जो रोग बीमारी से पीड़ित हम उसकी सेवा कर सके प्रभु यीशु मसीह। हम अपने माता पिता की सेवा कर सके प्रभु यीशु मसीह। अपने आस पड़ोस के भाई और बहनों से हम प्रेम कर से बनाए रखें, उनके संग प्रभु अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से प्रेम पूर्वक रहे, ताकि हमारा छवि प्रभु आपकी छवि के जैसा बना हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, जब तू पुकारेगा और वो यहोवा उत्तर देगा,
तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में यह उपवास हमें तरक्की और उन्नति लाए, हमारे जीवन में प्रभु चंगाई लाए, हमारे रुके हुए काम सारे पूर्ण हो जाए। इस उपवास प्रार्थना के द्वारा हम और दृढ़ और स्थिर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन और आमीन और आमीन।